हेलो दोस्तों, आज मेरा ट्वेल्थ का अकाउंट का पांचवा वीडियो है और पांचवा वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और चैप्टर चल रहा है मेरा फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कैपिटल अकाउंट के बारे में पूरा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल आरके स्टडी। चलिए, हमारे पास कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दो मेथड्स हैं। एक होता है, पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, यानी हम ये कह सकते हैं पार्टनरशिप में कैपिटल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखिए, हम अभी हम बात कर लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल के बारे में, फिर हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग के बारे में। ठीक है, चलिए हम फ्लक्चुएटिंग को हटा देते हैं यहाँ पे, पहले फिक्स के बारे में अच्छे से समझते हैं फिर फ्लक्चुएटिंग के बारे में समझेंगे। आखिर ये फिक्स्ड कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ ये फिक्स्ड कैपिटल है क्वेश्चन में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है? दोस्तों, उस क्वेश्चन में लिखा होता है कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, क्वेश्चन मुंह खोल के बोलेगा कि हाँ आप कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, आपको आराम से बोलेगा सब कुछ, टेंशन मत लीजिए। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल गिवन होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा जो पार्टनर है उसका फिक्स कैपिटल इज देयर हियर हियर लिखा रहेगा, तो जो आपके क्वेश्चन में अगर फिक्स कैपिटल दिखता है, फ्लक्चुएटिंग की बात करते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल दिखता है, अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल दिखता है तो सबसे पहले सारे पार्टनर का जो है पहले आपको खोलना पड़ेगा अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पहले खोलेंगे। यानी अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल गिवन है तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पे दो प्रकार के अकाउंट मेंटेन करेंगे, एक करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंगे पार्टनर करेंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स होगा तो दो अकाउंट बनाएंगे, एक बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर करेंट अकाउंट। अब समझते हैं कि पार्टनर करेंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है कि बनाते हैं, आखिर पार्टनर बनाते क्यों है, ये चीजों को समझिएगा एक बार। देखिए, एक बार अगर हम पार्टनर करेंट और पार्टनर कैपिटल के बारे में बात करें, तो अभी यहाँ पे कैपिटल के बारे में बहुत शॉर्टकट, अगर जैसे ही फिक्स कैपिटल होगा तो कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा जाता, ध्यान समझना। ओनली रिकॉर्ड्स कैपिटल, सिर्फ यहाँ पर हम जो कैपिटल अकाउंट होता है फिक्स कैपिटल मेथड में, जो पहला अकाउंट ओपन होगा आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कुछ नहीं करना, जो पार्टनर जितना कैपिटल लेके आया है ना उसको लिख दीजिए सिर्फ, बस काम खत्म। सिर्फ कैपिटल को हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में, यानी फिक्स कैपिटल मेथड में हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल का रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आप समझिए बातों को, सिर्फ कैपिटल हम रिकॉर्ड यहां करेंगे और यहां रिकॉर्ड क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। अब हम बात करते हैं यहां सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा, कैपिटल रिकॉर्ड होगा और यहां क्या रिकॉर्ड होगा, अब समझना ध्यान से। यहां पे करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड क्या करते हैं समझना ध्यान से, विद द रिलेटेड ऑफ पार्टनर्स एक्सपेंसेस एंड इनकम आर रिकॉर्डिंग, यानी पार्टनर से संबंधित खर्चा और आमदनी को आपको लिखना है, पार्टनर से संबंधित खर्चा और आमदनी लिखना है। पार्टनर जो है बिजनेस को चला रहा है, पार्टनर जो बिजनेस में मतलब पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है बिजनेस से, पार्टनर क्या दे रहा है बिजनेस को, तो खर्चा और आमदनी को यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, करेंट अकाउंट। अब बड़े अच्छे से आपको पता है 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एक्सपेंसेस को डीआर करते हैं, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं डीआर करते हैं, और इनकम को क्या करते हैं सीआर करते हैं, है ना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ग्रेटर इनकम एंड गेन आपने पढ़ा होगा नॉमिनल अकाउंट में, तो यही है मेरा, एक्सपेंसेस को डीआर लिखेंगे और इनकम को सीआर लिखेंगे पार्टनर करेंट अकाउंट में। और किससे संबंधित खर्चा लिखेंगे जी, पार्टनर के कमेंट, पार्टनर से संबंधित खर्चा और आमदनी को लिखते हैं। अब समझते हैं पार्टनर के संबंधित कौन कौन खर्चा और कौन कौन आमदनी होता है, इससे पहले हम फॉर्मेट की बात कर ले, किसका फॉर्मेट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये जो हमने बताया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट उसका फॉर्मेट को जान लेते हैं। हमने क्या बोला था यहाँ पे, ओनली रिकॉर्ड्स कैपिटल, सिर्फ कैपिटल को रिकॉर्ड करना है, तो बस जो आपके क्वेश्चन उठाने हैं बुक को उठाना है, बुक में जो कैपिटल बोलेगा कि एबीसी, ये कॉलम जितने पार्टनर होंगे ना उतने आपने कॉलम बनाना है, जितने पार्टनर होगा उतने कॉलम, क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में बोला होगा कि हाँ ए ने इतना रुपया कैपिटल लाया, बी ने इतना रुपया कैपिटल लाया, बैलेंस बीडी करेंगे फटाक से कैपिटल लिख के छोड़ देंगे, यानी क्या क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे कैपिटल कितना है और बस कैपिटल है उसके क्या कर देंगे, और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ कैपिटल लिखना है, और अगर इंट्रोडक्शन कैपिटल है तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं है, बस बैलेंस बीडी करिए जो कैपिटल है और बीडी का टोटल करिए और यहाँ पे सीडी लिख दीजिए, बस हो गया। यानी इस अकाउंट में कुछ नहीं जाता है, यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको दो अकाउंट बनाने हैं, पहला पार्टनर कैपिटल, दूसरा पार्टनर करेंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं, सिर्फ उसका कैपिटल को लिखिए बाय बैलेंस बीडी और उसका सीडी करके छोड़ के बंद कर दीजिए, काम खत्म। दूसरा बात करते हैं पार्टनर करेंट अकाउंट, सारा काम यहाँ होगा, सारा काम कहाँ होगा, पार्टनर करेंट अकाउंट में, समझिएगा एक बार। देखिए, हम यहां पर क्या बोले थे, पार्टनर से संबंधित खर्चा, पार्टनर से संबंधित खर्चा जो
पार्टनर है, बिजनेस को चला रहा है, बिजनेस में पार्टनर को क्या क्या खर्चा हो रहा है, पार्टनर को क्या क्या आमदनी हो रहा है, वो चीजों को लिखेंगे। खर्चा को डीआर लिखेंगे, आमदनी को सीआर लिखेंगे। सेम टू सेम इलेवेंथ वाले रूल है, कहीं से कुछ बस आपको गोल्डन में याद रखना है कि खर्चा डीआर आमदनी सीआर, इस सारे से याद रखिए, काम खत्म। खर्चा डीआर आमदनी सीआर, आप समझिए पार्टनर का क्या क्या जो है खर्चा हो सकता है। पार्टनर का खर्चा कहाँ है, दो ही खर्चा है बस, पार्टनर को दो ही खर्चे होते हैं यहाँ पे। कौन दो खर्चे हैं समझना ध्यान से। पहला खर्चा एक हो सकता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दूसरा ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और दूसरा ड्रॉइंग होता है। अब एक बात पर, अब फॉर्मेट के हिसाब से आराम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा हुआ है यहाँ पे बैलेंस बीडी ब्रैकेट में सीआर। आपको क्वेश्चन में कई बार बोलता है कि राम करेंट अकाउंट 20,000 ब्रैकेट में डीआर, तो डीआर बोलेगा तो इसका मतलब इधर का अमाउंट है बैलेंस बीडी। अगर सीआर बोला तो बाई तरफ के अमाउंट है, जो कहेगा करेंट अकाउंट। अगर डीआर बोलेगा तो डीआर में ट्रू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, और सीआर बोलेगा तो सीआर में, है ना। अगर बोलेगा ए करेंट अकाउंट 30,000 ब्रैकेट में डीआर, तो आपको कहां लिखना है ट्रू बैलेंस बीडी। अगर बोलेगा ए टू ए करेंट अकाउंट 30,000 ब्रैकेट में सीआर, तो बाय बैलेंस बीडी। क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा हम कर देंगे, काम खत्म। क्योंकि ये जैसे ही डीआर होगा, डीआर मतलब खर्चा है टू तरफ, सीआर मतलब इनकम है बाई तरफ, पार्टनर के संबंधित खर्चा को हम यहां पर लिख रहे हैं। अगला बात समझिएगा, और पार्टनर को इधर पहले समझ लेंगे फिर इधर आते हैं। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस में जो पार्टनर पैसा लगाया है उस पर क्या मिल रहा है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। और बिजनेस से इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर को, तो पार्टनर के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, इसीलिए इनकम को हम सीआर लिख दिए। ठीक है, बस इनकम जितनी आमदनी है सीआर, खर्चा डीआर, किसके संबंधित, पार्टनर के संबंधित, बस लिखा हुआ है छोटा सा लाइन, पैरा सा लाइन, इसको समझिए बस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, इसीलिए कहां लिख दिए सीआर। और ये जो कॉलम है हमने एक लिखा हुआ है, जितने पार्टनर उतने कॉलम बना देना, बस अमाउंट उसके हिसाब से भरना है बस। सैलरी, पार्टनर को बिजनेस से सैलरी मिल रहा है, पार्टनर के लिए इनकम हो गया, पार्टनर के सैलरी मिल रहा है, अरे हम पार्टनर है हमें क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, इसीलिए हमने उसको सीआर लिखा। कमीशन, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, पार्टनर के लिए इनकम है, इसको भी सीआर लिख दिए। अब यह है बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। जब वहां पे प्रॉफिट होता है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट है तो इनकम है, जिसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर लॉस होता तो इधर लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट है, जब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो वहां से क्या है, ये प्रॉफिट निकल के आएगा। अब ये सारे क्या था, इनकम, पार्टनर का इनकम था, ये सारे पार्टनर का इनकम था, तो पार्टनर के इनकम को हमने क्या कर दिया, सीआर। अब सारे खर्चे को करेंगे डीआर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के लिए खर्चा होता है, सुनिए, हम पार्टनर है, बिजनेस से निकालिए 20,000 रुपीज, 20,000 जैसे निकाले उस पर कुछ हम इंटरेस्ट देंगे बिजनेस को, तो इंटरेस्ट मिलने क्या होता है, खर्चा होता है, इसीलिए उसको क्या कर दिए, डीआर कर दिए। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर हमने ड्रॉइंग्स करा है प्रॉफिट के ऊपर से, वो भी मिलने क्या होता है, खर्चा होता है, उसको भी हमने डीआर लिखेंगे। देखिए जब डीआर भी हो गया, सीआर भी होगा, यहां दो आइटम ध्यान रखिए, और यहां कुछ सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बस ध्यान रखना है, काम खत्म। यानी कहा जाए तो ड्रॉइंग्स के छोड़ के सारा आइटम अपोजिट हो गया किसका, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वाला। यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को जो डीआर में जाता था वो सीआर में चला गया, सीआर वाला डीआर में आ गया, बस काम खत्म हुआ। आइए तो बस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को छोड़ के बाकी यहाँ पे तो सब कुछ जाएगा। यहाँ दो आइटम आपको याद रखना है, खर्चा है पार्टनर के लिए दो चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ड्रॉइंग, और बाकी सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट, ये सारा क्या है, पार्टनर के लिए इनकम है, और इनकम को कहां लिखते हैं, सीआर। जब सब कुछ करने के बाद में बस जोर घटाओ करिए, जिधर कम है उधर सीडी, सीडी में कंडीशन अप्लाई है, सीडी इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, जिधर कम होगा उधर सीडी, आपको बड़ा अच्छे से आता है, 11 से पढ़ते आए हो आप, तो जिधर कम होगा उधर से सीडी करेंगे, टोटल मारेंगे, काम खत्म। यानी पार्टनर करेंट अकाउंट हो जाएगा। फिर से दोहरा देते हैं, देखिए कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे मेंटेन करने के लिए दो मेथड्स हैं, पहला है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, बात अभी जस्ट कर रहे हैं। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट ओपन होते हैं, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करेंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस बीडी करेंगे, काम खत्म हो जाएगा, बस बंद कर देंगे। और पार्टनर करेंट अकाउंट में सारा आइटम पार्टनर के संबंधित सारे खर्चा को डीआर करेंगे, पार्टनर के संबंधित सारे आमदनी को सीआर करेंगे, पार्टनर के संबंधित सारे खर्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन जो है कि ये इनकम होता है, इनकम को डीआर कर दिए, और सारे आमदनी क्या है, इंटरेस्ट ऑन इनकम को सीआर कर दिए, सारे खर्चे क्या है मेरे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग खर्चा है डीआर कर दिए, ड्रॉइंग खर्चा है डीआर कर दिए, टोटल करेंगे सीआर बीआर करेंगे, हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, आइए अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग अकाउंट की। अगर अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का बात करते हैं। आइए बात करते हैं। अब अगर मैंने बताया कैपिटल दो प्रकार के था यहां पे,
पहला था फिक्स कैपिटल मेथड, फिर फ्लक्चुएटिंग था। तो अब फिक्स के बारे में बात कर लिया, फ्लक्चुएटिंग के बारे में बात कर ले। देखिए अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में अगर बोलता है फिक्स कैपिटल तो फिक्स मानेंगे। अगर माने चलिए क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि हाँ फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो हम ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हैं कि हाँ भाई ये कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है कि फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है तो क्या मानेंगे, तो हम फ्लक्चुएटिंग है मानते हैं। और कैपिटल अकाउंट जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं होता है तो हम बोलते हैं ये कैपिटल अकाउंट बनेगा, यानी फ्लक्चुएटिंग मान के चल जाते हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि फ्लक्चुएटिंग कुछ नहीं बोलेगा यानी फिक्स कैपिटल नहीं बोला तो ऑब्वियसली फ्लक्चुएटिंग होगा, तो फिक्स बोलेगा तो फिक्स ठीक है। अगर फ्लक्चुएटिंग बोलेगा, अगर फ्लक्चुएटिंग नहीं भी बोले तो मानेंगे फ्लक्चुएटिंग है, अगर फिक्स नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग ही होता है। तो इस केस में हम क्या बनाते हैं, एक ही अकाउंट ओपन करना है बच्चा, एक ही अकाउंट है वो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पर हम एक ही अकाउंट ओपन करेंगे, वो अकाउंट कौन होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम ओपन करेंगे। एक ही अकाउंट ओपन होता है, वहां पे दो यहां पे एक अकाउंट। आखिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, बस वही करंट वाला जो करंट अकाउंट में लिखते थे सेम टू सेम लिखेंगे। यहां पर भी क्या लिखते हैं, विद द रिलेटेड ऑफ पार्टनर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पार्टनर के संबंधित खर्चा को डियर कर दीजिए, आमदनी को शेयर कर दीजिए। खर्चा है डियर, आमदनी शेयर, पार्टनर के खर्चा कौन कौन होता है अभी मैं बोला हूं सारा करंट अकाउंट में, बस सब कुछ करंट अकाउंट वाला है। बस हमने हेडिंग को कैपिटल की जगह हटाया, करंट को हटा दिया और कैपिटल डाल दिए, खर्चा डियर कर दिए। आपको करंट अकाउंट का बैलेंस अगर गिवन होगा, कैपिटल अकाउंट बैलेंस गिवन होगा, लिखा होगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में सीआर, तो अभी बाई तरफ लिखना, बोलेगा डीआर तो टू बैलेंस बीडी करके बाई तरफ लिख देना, टू तरफ लिख देना। अब समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है सीआर लिख दी, सैलरी पार्टनर के लिए इनकम है सीआर लिख दी, कमीशन पार्टनर के लिए इनकम है सीआर लिख दी, प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी यानी प्रॉफिट हो गया उसको हमने सीआर लिख दिया। इधर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, खर्चा है डीआर, ड्रॉइंग खर्चा है डीआर, और प्रॉफिट लॉस में जाकर लॉस हो गया है तो खर्चा है, इधर भी डीआर, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे सीडी कर देंगे, सीडी इधर भी हो सकता है सीडी उधर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा आज के वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन के साथ। चलिए बाय।